व्यवस्था हो रही है। वसुंधरा राजे का कार्यक्रम है आज दिल्ली जाने का, जहां पर वो पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह से बातचीत करेंगी। प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है, जिसे लेकर आज अमित शाह से बातचीत होगी। बीते दिनों कई नाम चर्चा में रहे, लेकिन किसी पर भी सहमति नहीं बन पाई। गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम चल रहा था हाल ही में, लेकिन सीएम उस पर राजी नहीं है। ऐसे में उनके दो मंत्री भी दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं, और बताया जा रहा है कि वो अमित शाह से बातचीत कर रहे हैं और उनको कोई नाम सुझाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन करने के बाद अब दिल्ली के लिए रवाना हो रही है सीएम। यहां पर अमित शाह से मिलने का कार्यक्रम है, जिसमें प्रदेश के हालचाल पर तो चर्चा होगी ही, और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी अमित शाह से बातचीत होगी। सूबे में चुनाव है। मनवीर हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मनवीर, रवाना हो रही है सीएम दिल्ली के लिए, अमित शाह से बातचीत करेंगी, और अहम मुद्दा पार्टी अध्यक्ष का भी रह सकता है राजस्थान में। हाँ देखिए, बिल्कुल, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ से दिल्ली के लिए कुछ ही देर के अंदर रवाना होंगी। सबसे पहले है पर एक हेलीपैड का निर्माण किया गया था, यहाँ जगह है वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगी, और वहां की एयर स्ट्रिप से उनका प्लेन सीधा दिल्ली के लिए रवाना होगा। और जिस परिप्रेक्ष्य में वो दिल्ली जा रही है, उससे पहले उनका बांसवाड़ा आना और बांसवाड़ा के अंदर त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्यमंत्री इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करती हैं कि जब भी किसी तरह की उनकी परीक्षा होती है, किसी तरह के उनका आध्यात्मिक ताकत की जरूरत होती है, वो त्रिपुर सुंदरी के दर्शन जरूर करती हैं, और यहाँ तक कि वो हर चुनाव का अपना जो परिणाम है वो इसी त्रिपुर सुंदरी के दर्शनों के पश्चात इसी मंदिर में बैठ करके सुनती है। ऐसी स्थिति के अंदर अब जब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में एक अजीब तरह के हालात बन है, और इसी परिपेक्ष में वो दिल्ली जा रही हैं, उससे पूर्व मुख्यमंत्री का यहाँ पर पहुंचना, धार्मिक अनुष्ठान करना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत दे जाता है कि जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और उस घटनाक्रम से पहले वो त्रिपुर सुंदरी पहुंची, यहाँ पर उन्होंने दर्शन किए, विशेष अनुष्ठान किया, और अब दिल्ली के लिए रवाना हुई है। जी हाँ, दिल्ली के लिए रवाना हुई है, पूजा अर्चना की विशेष अनुष्ठान उन्होंने किया, और बताया जा रहा है कि कई मंत्री दिल्ली में पहले से डेरा जमाए बैठे हैं। मनवीर, प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेके कई सजेशंस भी पार्टी प्रेसिडेंट को दे रहे हैं। देखिए, कुछ मंत्री दिल्ली पहुंचे थे, वहां पर जो केंद्रीय नेतृत्व है वहां उनसे उनकी बातचीत हुई, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं रामलाल, उनसे उनकी मुलाकात हुई, लेकिन सारा जो मामला है वो मुख्यमंत्री के ऊपर अटका हुआ था। मुख्यमंत्री लगातार पाली जिले के दौरे पर थी, और इस बीच कई बार इस चीज की जानकारी निकलकर सामने आई कि हो सकता है कि पाली दौरे को छोड़कर के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली रवाना हो जाएं, लेकिन घटनाक्रम लगातार बना रहा, और अब वो समय आया है जब मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हुई है। वहां पर तमाम लोगों से उनकी मुलाकात होगी, हाईकमान के साथ में उनकी ये बातचीत किस नाम के ऊपर सहमति बनाती है, इसके ऊपर पूरे प्रदेश की, और यूं कहा जा सकता है कि एक तरीके से राजनीति के में रुचि रखने वाले तमाम लोगों की निगाहें हैं, और ये जो बड़ा फैसला इस विधानसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी को करना है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा को तय करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनवीर, तमाम बातचीत के लिए।